तो घर ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो गया जी। टेम्पल तक आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गर्मियों के समय में तो आप यहाँ ना ही आए तो बेहतर है। सो गाइस, मेरे ठीक सामने है रेणुका माता का मंदिर और ये रही रेणुका झील। सो गाइस, जैसे नैनीताल वगैरह में आपको देखने को मिलती है मछलियाँ, तो यहाँ पे नैनीताल से भी बड़ी बड़ी मछलियाँ दिख रही है मुझे। तो गाइस, ये जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है तो ये समर्पित है परशुराम जी को। तो बेसिकली हरिपुर धार का टेम्परेचर यहाँ से 10 डिग्री कम है और रात को 15 डिग्री तक चला जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून उत्तराखंड। तो गाइस, आज है 26 मई एंड मैं आया हूँ देहरादून अपने नए घर के गृह प्रवेश की पूजा के लिए। तो 24 तारीख को पूजा हो चुकी थी एंड मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं अभी देहरादून में और मौसम देख सकते हैं आसपास का। तो घर ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो गया है और इसमें पीजी के लिए अब काम चलेगा। तो मॉर्निंग में अभी खाली टाइम है और इस समय मैं प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ से कुछ दूर यानी 74 किलोमीटर पे है रेणुका जी टेम्पल एंड आसपास मतलब काफ़ी पीसफुल प्लेस है, तो वो डेस्टिनेशन आपको हम एक्सप्लोर करवाएं। तो स्टे ट्यून्ड विद राहुल रमोला व्लॉग्स एंड चलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। सो गाइज, जो हमारे घर की लोकेशन है यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से हम सीधे मेन रोड पे आ जाते हैं क्योंकि आई थिंक 50 मीटर भी नहीं होगा और ये रही आपकी सामने पे ही मेन रोड। ये आ गए हम मेन रोड पे और अभी हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट टर्न पोंटा साहिब के लिए। सो गाइज, अभी ये रास्ता जाएगा विकास नगर की तरफ। वैसे विकास नगर हमें नहीं जाना है, हमें जाना है पोंटा साहिब, पर ये रास्ता विकास नगर की तरफ भी जाता है। तो सुबह सुबह का मौसम देखो, 6 से ऊपर हो ही गया है, 6:30 होने वाला है। तो अभी मतलब रिसेंट मौसम है, थोड़ा बहुत आई थिंक यहाँ पे पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। लेकिन रास्ता अभी बहुत क्लियर है, कोई ट्रैफिक नहीं है, दूर दूर तक गाड़ी दिख नहीं रही है। नॉर्मली जिस डेस्टिनेशन पे मतलब मैं आपको लेके जा रहा हूँ ये एकदम ऑफ बीट होने वाली है। यहाँ पे मतलब नॉर्मली टूरिस्ट नहीं जाते हैं क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। तो वहाँ का मतलब वो है कि एक शांत प्लेस होगा, पीसफुल प्लेस होगा। और देहरादून से तो मतलब 2 घंटे की डिस्टेंस पे है, तो हमारा ये हम सुबह 6 बजे निकल रहे हैं और अभी मतलब 11 या 12 बजे तक वापस आ जाएंगे घूम के, उसके बाद अपना काम करेंगे। और दूसरी बात, आज संडे है तो आज वैसे ही मतलब फ्री डे है। गाइज, रेणुका जी जाने से पहले हम आए थे पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल भरवा दिया है, फुल करवा दिया है। अभी मैं पहुंच गया हूँ विकास नगर का, यहाँ से रास्ता कट जाता है आग नीचे के लिए एंड ऊपर का रास्ता कहाँ जाता है देखो भाई, पंजाब के लिए, अंबाला चंडीगढ़ के लिए। जो एरिया है यहाँ पे चौक है पूरा, ये जो चौक था इससे अब यहाँ से आगे जाएंगे तो हिमाचल के लिए जाएगा, पोंटा साहिब के लिए जाएगा। अगर आप राइट लेते हैं शिमला बाईपास रूट से तो आप विकास नगर के लिए जाएंगे, और अगर आप लेफ्ट लेते हैं, अगर आप देहरादून की तरफ से आ रहे हैं तो आपको जाना हो मतलब आप जा सकते हैं चंडीगढ़ पंजाब। गाइज, अभी मैं पहुंच गया हूं पोंटा साहिब के आसपास और थोड़ी ही दूर पे है यमुना ब्रिज जिसको मुझे क्रॉस करना है। थोड़ी दूर क्या बोलूं, आ गया। तो ये है यमुना ब्रिज, तो साथ में मतलब यमुना नदी चलती हुई बगल में चल रही थी जो मैंने अभी आपको दिखाई। यहाँ पे डैम बना हुआ है शायद, तो यहाँ से हम आ चुके हैं, हिमाचल में एंटर हो चुका है। ये है बॉर्डर एरिया पोंटा साहिब, तो ये है पोंटा साहिब। गाइस, आज यहाँ रुकने का प्लान नहीं है क्योंकि यहाँ मतलब ऐसा नहीं है, मतलब देहरादून जैसा ही है ये भी, तो यहाँ क्या रुकना है। यहाँ तो हम कभी भी आ जा सकते हैं, जैसे आज आए हैं, कभी भी सामने गुरुद्वारा दिख रहा है उसमें जा सकते हैं, आप देख सकते हो
दिख रहा है आपको सामने, ये है गुरुद्वारा पांवटा साहिब का, जो कि काफी फेमस है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी टूरिस्ट आते हैं बेसिकली पंजाब से और बहुत सारी इंडिया में अलग अलग जगह से। तो गाइज पांवटा साहिब में जब आप आते हैं, हिमाचल में एंटर होते हैं, तो आपको 60 रुपए का टोल टैक्स भी देना पड़ता है। मैंने कैमरा बंद रखा हुआ था, सॉरी दिखा नहीं पाया, बट अभी जो मार्केट आपको दिख रहा है ये प्रॉपर आपको पांवटा साहिब का मार्केट मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से निकलते हैं रेणुका जी के लिए पहाड़ों की तरफ। सो गाइज सामने दिख रहे हैं पहाड़, जो कि कैमरा में उतने क्लियर नहीं विजुअल हो रहे हैं, लेकिन जो फील आ रहा है यहाँ पे एकदम हिमाचल, उन्ना से जब हमीरपुर की तरफ जाते हैं तो उस टाइप का ही फील है रेणुका जी जाते हुए पांवटा साहिब से। और इसी तरीके से यहाँ देखिए इतना बड़ा, मोस्टली हिमाचल में इस तरीके से गेट होते हैं, तो यहाँ से इस गेट से अगर आप गुजरते हैं तो आपको याद रखना है, अगर रेणुका जी आप जा रहे हैं तो यहाँ से आपको राइट लेना है। तो काफी स्टीप चढ़ाई है, कहीं कहीं ऑफ रोडिंग आपको ज्यादा करनी पड़ सकती है, और ऑटोमेटिक गाड़ी से आ रही है तो मैनुअल में चलना है, मैनुअल मोड में ही चलना है उसको, अगर आपके उसमें मैनुअल मोड है तो। और मैनुअल से भी आपको वही ध्यान रख के चलाना पड़ेगा, और इस एरिया में गर्मी बहुत है, मतलब वैसे पहाड़ों में गर्मी होती नहीं है, बट ये जो एरिया है यहाँ पे इवन देहरादून से ज़्यादा गर्मी है। अभी जो वेदर, मतलब जो टेम्परेचर यहाँ का चल रहा है 36 डिग्री से प्लस चल रहा है, एंड देहरादून का जो टेम्परेचर चल रहा है वो 30 डिग्री के नीचे है। इवन यहाँ का नाइट का भी टेम्परेचर ज़्यादा है, आई डोंट नो पहाड़ों में इतना ज़्यादा टेम्परेचर। फिर मैंने देखा कि गाड़ी से हाथ बाहर निकाल के तो गर्म हवा चल रही है, धूप यहाँ बहुत तेज पड़ रही है। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ की गर्मी की बात करूँ तो ह्यूमिडिटी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो आपके रूम में अगर पंखा भी लगा होगा तो भी मैनेज हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी नहीं है यहाँ पे। अगर आप रेणुका जी टेम्पल तक आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गर्मियों के समय में तो आप यहाँ ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अभी भी मतलब मैं कार से चल रहा हूँ तो एसी मैंने 3 या 4 पे मतलब स्विच करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी है, और आई डोंट नो क्यों है। इसके अलावा रोड्स कंडीशन बहुत ख़राब है, और ह्यूमिडिटी पता नहीं इन पहाड़ों में कैसे आ गई, क्योंकि मैंने कभी ह्यूमिडिटी पहाड़ों में महसूस नहीं करी है, जो कि हिमाचल में मैं पालमपुर मैक्लोडगंज गया हूँ वहाँ तो कभी नहीं करी मैंने। तो गाइज यहाँ से आप देख सकते हैं बोर्ड पे शाइन है रेणुका जी के लिए लेफ्ट लेना है। गाइज नीचे आप देख सकते हैं नदी के बीच, नदी में पानी तो रहा नहीं, हिमाचल में नदियों में खासकर पानी मिलता नहीं है, बहुत ही कम पानी है, और नदी के बीचों बीच रोड बनाई हुई है, मतलब यहाँ मैं भी गाड़ी लेके जा सकता हूँ, और शायद हमें इस साइड जाना है, एग्जैक्ट मुझे अभी पता है नहीं। Thank you.
गाइस यहाँ का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही डिफरेंट है। देखो भाई स्पीति काजा वाला फील आ रहा है। यहाँ की रोड्स, ये तो बरसात के टाइम पे मतलब बहुत खतरनाक हो सकता है, तो ये जो फील किया इन्होंने स्पीति काजा जैसा ही फील है यहाँ पे एकदम, तो मतलब खतरनाक ऑफ रोडिंग वाला फील है भाई, प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाला फील है। मैं अभी देखता रहता हूँ वीडियोस, बट ऐसा ही मतलब यहाँ पे है प्रॉपर मिट्टी का पहाड़ है, प्रॉपर मिट्टी का। ये यही है गेट के अंदर, गेट से आगे जाके मिलेगी, ठीक है तालाब भी मिलेगा पार्किंग करने को वहाँ से। काफी देर बाद ऐसी रोड देख के बहुत मजा आ रहा है। सो गाइस मेरे ठीक सामने है रेणुका माता का मंदिर और ये रही रेणुका झील, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। तो यहाँ से एकदम मतलब पीछे पहाड़ है और एकदम मतलब फॉरेस्ट वाला व्यू मतलब जो आपको मिलता है यहाँ पे। जगह तो ठीक है लेकिन गर्मी बहुत है यहाँ पे, एंड स्टे करने के लिए आप यहाँ पे विंटर सीजन में आएँ तो बेहतर है। सो गाइस ये है मंदिर परिसर का मेन गेट, आसपास आप देख सकते हैं झील के सामने बहुत सारे मतलब जो प्रसाद वगैरह के लिए ठेले लगे हुए हैं, तो आप इजीली यहाँ पे 20 50 100 में प्रसाद खरीद के चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं मंदिर के लिए। तो मंदिर के परिसर से पहले ये जो सुंदर सा आपको गार्डन यहाँ पे एरिया दिखने को मतलब इन्होंने बनाया हुआ है, एंड सामने मंदिर है और इस साइड झील का जो दृश्य है आप देख सकते हैं। देखो इतनी इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ इसमें तैर रही हैं। सो गाइस जैसे नैनीताल वगैरह में आपको देखने को मिलती है मछलियाँ, तो यहाँ पे नैनीताल से भी बड़ी बड़ी मछलियाँ दिख रही हैं मुझे तो। सामने है मंदिर आप देख सकते हैं, तो शायद मंदिर में फोटोग्राफी अलाउड ना हो, तो अभी मैं जितना दिखा सकता हूँ वो ये है सर, ये है गाइस। तो गाइस ये जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है तो ये समर्पित है परशुराम जी को, ये जो टेंपल है ये समर्पित है शिव पार्वती जी को, और ये है एक्चुअली रेणुका माता जी का मंदिर। तो ये सबसे पहले है प्रवेश द्वार, तो अभी चलते हैं हम मंदिर के लिए। तो गाइस श्रद्धालुओं की भीड़ तो आ ही रही है, एंड अब मंदिर में माता रानी के दर्शन हो गए हैं और चलते हैं अब यहाँ का मौसम एंजॉय करते हैं जो कि गर्मी वाला है, बट जो ये मंदिर परिसर है उसमें उतनी गर्मी फील नहीं हो रही है। सो गाइस माता रानी के दर्शन के बाद अब ये जो आखिरी जो परिसर है ये है मंदिर दशावतार, तो इसमें हमें जाना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे जो ये तीर्थ स्थान है यहाँ के बारे में जो भी जानकारी है इस मतलब जो बोर्ड पे है मेंशन्ड है, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, सारी जानकारी इस मतलब पावन कथा के द्वारा आपको दी जा रही है। सो गाइस झील में जो मछलियां हैं वो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हैं, साइज़ भी बहुत बड़े बड़े हैं भाई, कुछ बहुत बड़ी बड़ी भी हैं भाई। साइज़ देखो इन मछलियों का, काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यार, ये कैमरा में फिर भी जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, जितनी बड़ी ये है उतना फिर भी कैमरा में नहीं दिख पा रहा है। मंदिर परिसर का एक गेट ये है यहाँ से, एक ये है इस साइड से जहाँ से हम आए रहे थे। तो गाइज जो मेन मंदिर है माता जी का वो ये है जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। सो गाइस जैसे आप देख सकते हैं जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं ये खाना अपना स्वयं लेके आए हुए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाने की समस्या रहती है, आपको भोजन की समस्या है हिमाचल के इस मंदिर के आसपास तो मिलेगी। तो गाइस यहाँ पे एक मतलब राम बावड़ी है जो कि मतलब डेफिनेटली नेचुरल वाटर है जो स्टोर होता है पहाड़ों में, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको पानी नहीं ख़रीदना है तो आप फ्री में नेचुरल वाटर पी सकते हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट अब 11 बज गए, तो भूख भी लग रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे दिन हो गई है, गर्मी इतनी है कि ऐसा लग रहा है लंच टाइम हो गया है। तो
सुबह से कुछ खाया नहीं है, जो खाया था वो भी बाहर आ गया क्योंकि बहुत ही खराब खाना था जो भी मैंने अभी खाया। हो सकता है होप्स हो यहाँ पे ठीक मिले, क्योंकि रास्ते में तो चलो टूरिस्ट कम होते हैं इस वजह से उनका बासी रह जाता है, बट होप्स हो यहाँ ठीक हो। तो गाइज बेसिकली खाने के लिए बहुत लिमिटेड चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं, तो खाना आप अपना स्वयं लेके आएँ, क्योंकि सभी लोग अपना अपना खाना लेके आप आते हैं जो कि हमें नहीं पता था। खाने में मेरे को मिला है अभी छोले चावल भैया की शॉप से। कितने के भैया? 30 रुपये का, तो रीज़नेबल रेट है, आपको ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा। तो भैया यहाँ पे बता रहे थे कि संडे को मिल जाता है, नॉर्मली नहीं मिल पाता है खाना, तो आपको खाने का तो खुद करना पड़ेगा अरेंज घर से बना के। तो गाइज थोड़ी सी मिस्टेक है, एक्चुअली वो जो सामने जो मैंने अभी झील दिखाई थी वो परशुराम झील थी, और ये जो झील है इसमें बोटिंग भी कर सकते हैं, ये है रेणुका झील। तो बीच में मतलब रोड के उस पार, यहाँ बीच में एक रोड है और ये होटल एरिया है, उस साइड है जैसे परशुराम झील और ये है रेणुका झील। रेणुका झील का एरिया ऑलमोस्ट काफ़ी लंबा है, 3 किलोमीटर तक है, और आगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, पर यहाँ की गर्मी इतनी है कि अब वहाँ मैं पैदल जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि अलाउड नहीं है इस रास्ते पे गाड़ी, तो इसलिए सभी लोग पैदल जा रहे हैं। बाकी होटल्स की बात करूँ तो होटल्स आपको मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे स्टे हैं, अंडर 3000 में देंगे, ओवर बजट कह सकता हूँ थोड़ा। गाइज यहाँ का मौसम जो है दिन प्रतिदिन गर्म होते जा रहा है, मतलब टाइम जैसा बीत रहा है वैसे गर्म होते जा रहा है, और मैं जू की तरफ जाने की सोच रहा था, ये झील बहुत लंबी है यार आगे तक, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए कि मैं आगे तक ट्रैवल करके आपको व्यू दिखाऊं। ये मैं करूंगा, बट विंटर सीजन में एक बार दोबारा आएंगे तब करेंगे। फिलहाल लोग बोटिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, एंड कुछ लोग सामने बैठे हुए हैं। तो यहाँ से अभी डिसाइड किया है हरिपुर धार चलने का। तो बेसिकली हरिपुर धार का टेम्परेचर यहाँ से 10 डिग्री कम है और रात को 15 डिग्री तक चला जाता है, तो इससे तो ठंडा ही होगा, बट ये ऑलरेडी बहुत गर्म है, तो यहाँ पर रहना पॉसिबल नहीं है। मैंने पहली बार मतलब पूरे उत्तराखंड में इतना गर्म मैंने कभी नहीं देखा, बट हिमाचल आते ही पहाड़ों में गर्मी, सो ये चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करी। वैसे हिमाचल में भी हर जगह गर्मी नहीं होती है, बट यहाँ पे समय आ गया है रेणुका जी से निकलने का, और यहाँ से निकलेंगे हरिपुर धार के लिए। तो गाइज रास्ते से यहाँ के लोकल लोग मिले हैं, इन्होंने बताया यहाँ पे गर्मी क्यों होती है। एक्चुअली यहाँ पे माइनिंग का काम होता है, तो बहुत सारा माइनिंग की वजह से यहाँ पे इस इलाके में गर्मी होती है ना भैया? माइनिंग की वजह से होती है ना? हाँ जी भैया, ऊपर माइनिंग। ठीक है, इस वजह से माइनिंग है यहाँ पे, ये यहाँ की गर्मी का रीज़न है। गाइज रोड कंडीशंस देख सकते हैं आप, हिमाचल में अभी बहुत डेंजरस रोड है भाई, जगह जगह से टूटी हुई है, और सामने वाले पहाड़ में भी और ये वाले भी बहुत सक्रिय है, पर काफ़ी डेंजरस है। तो गाइज देख सकते हैं आप यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये यमुनानगर अम्बाला से आए हैं सारे, इन्होंने फोटो खिंचाई थी मेरे साथ वहाँ पे रेणुका झील के आसपास। सो गाइज आई डोंट नो आपको ये पुल सामने दिख रहा है या नहीं, यहाँ से अभी हम आए हैं वो है सामने रेणुका जी वाला पुल, तो वो जो पुल आपको दिख रहा है वो रेणुका जी वाला है, वहाँ से हम आए हैं इस रोड के रास्ते, और यहाँ से होते हुए अभी हमें यहाँ और जाना आगे भी है भाई। नज़ारे आ रहे हैं, नज़ारे नज़ारों में मतलब मन ही नहीं कर रहा है कैमरा बंद करने का, बट धीरे धीरे मतलब जैसे ही ऊपर ऊपर चल रहे हैं नज़ारे आ रहे हैं, बट हाँ टेम्परेचर अभी भी डाउन नहीं हुआ। रोड्स बहुत डेंजरस हैं और ऐसी डेंजरस रोड पे ड्राइव करने में मज़ा भी आता है,
डर भी लगता है, सब कुछ होता है। यहाँ हरियाणा के लोग बहुत ज्यादा हैं। बेसिकली HR नंबर गाड़ियां यहाँ बहुत ज्यादा हैं। नो DL नथिंग, मतलब कोई हिमाचल की खुद की गाड़ियां इतनी नहीं दिखी मुझे रोड पे जितनी HR नंबर गाड़ियां हैं। फिर मैंने लोकल से पूछा तो कहा कि हरियाणा के लोग यहाँ बहुत ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। तो गाइस जिसको फ्री में कैंपिंग करनी है वो यहाँ पे कैंपिंग कर सकता है। अंदर लगा लो गुफा के अंदर, भाई खतरनाक गुफा है। सो गाइस आप देख सकते हैं ये हरा भरा पहाड़ है और इसके बगल में ये देखो ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है ये माइन हुआ पहाड़ है। सो गाइस अभी हरिपुर धार काफी मतलब आगे है, लगभग अभी जो डिस्टेंस रह गया है 25 से 26 किलोमीटर का रह गया है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मार्केट एरिया है। तो ये जगह अभी मैंने दुकान पे पढ़ा है, यहाँ का नाम है संगड़ा। तो संगड़ा में काफी बड़े बड़े होटल हैं। सामने वाली पहाड़ी पे आप देख सकते हैं माइनिंग चल रही है। तो गाइस यहाँ पे बच्चे बेच रहे हैं काफल। काफल बेच रहे हो तुम? कितने का बेच रहे हो? 100 रुपए का। कल मिलेगा ये? कल, आज तो ले लिया मैंने, कल नहीं मिलेगा, परसों। तो गाइज इस जंगल में काफल ऑलरेडी लगे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं अभी संडे को, ये एक बच्चा नीचे जाके मतलब काफल तोड़ रहा है, दूसरा यहाँ से बेच रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने टीम वर्क कर रखा है यहाँ पे, और 100 रुपए का 1 किलो बेच रहे हैं ये। तो आप सोच सकते हैं बहुत सस्ता है, क्योंकि देहरादून वगैरह में 4-4, 5-5 सौ किलो बिकता है। जस्ट 2 या 3 किलोमीटर रह गया होगा हरिपुर धार, यही है एक्चुअली हरिपुर धार ये एरिया है। सो जस्ट सी यहाँ के नज़ारे बहुत बढ़िया है, मौसम थोड़ा धूप वाला है। तो अभी प्लान ऐसा है, ट्राई करेंगे 4-5 दिन यहीं रहेंगे और क्या, आपको अच्छे से एक्सप्लोर करवाएंगे, जितना टाइम ले सकेंगे उतना, यहाँ से लेके पूरा हिमाचल करवाऊंगा। सो गाइस फाइनली आ गए हैं हम हरिपुर धार के जो मार्केट एरिया है उसमें, एंड यहाँ से अब रूम की तलाश सबसे पहले, तो क्योंकि ये कम्प्लीटली अनप्लान्ड जर्नी था, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि यहाँ भी आऊँगा। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैंने सिर्फ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए सोचा था आज, पर मैं इतनी दूर आ जाऊँगा मैंने ये नहीं सोचा था। अब हरिपुर धार का जो मार्केट एरिया है वो ये है, आगे तक जाएगा। तो मुझे लगता है इस साइड से ही होटल ले लेना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ से मार्केट का रात का व्यू आएगा और वहाँ से नहीं आएगा इस साइड। तो गाइज मैं हरिपुर धार में पहुँच गया था, तो मैंने होटल ले लिया है। होटल का नाम है राणा लॉज। राणा लॉज, तो मैं अभी रुका हूँ राणा लॉज में। तो राणा जी इसके चार्जेस कितने रहेंगे रूम के? रूम का 1000 रुपये। 1000 रुपये के? नॉन सीजन का है या सीजन का है ये? नहीं वो सीजनली, अभी जैसे आजकल है, अभी गर्मियों में वैसे सीजन ही होता है। हाँ, तो गर्मियों में वीकेंड में 100-200 रुपए का फर्क होता है। वीकेंड में ज्यादा से ज्यादा मतलब 1200 का आपको मिल जाएगा। 1200 का। तो अच्छा हजार, आपको मैं बता दूं ये बेस्ट बजट होटल है और काफी अच्छी लोकेशन पे है। 600 रुपए से 1200 रुपए तक के रूम्स अवेलेबल है यहाँ पे, तो काफी अच्छी लोकेशन पे है। मैं दिखा देता हूँ रूम की क्वालिटी। सो गाइज ये है वॉशरूम एंड यहाँ पे गीजर वगैरह लगा हुआ है, बेसिक एमिनिटीज के साथ ये रूम है। और रूम का वॉश के अलावा रूम कुछ इस तरीके से है, ठीक है, बेसिक रूम है, अंडर मतलब 1000 आपको मिल जाता है। एंड जो व्यू है यहाँ से कुछ इस तरीके से है, शाम का व्यू सामने आप देख सकते हैं। तो ये जो है हरिपुर धार है, एंड जो हेलीपैड देखा था हमने थोड़ी देर पहले वो इस साइड में है, तो हम इस साइड से आए हैं। आगे जाएंगे तो आगे आप मतलब और भी प्लेसेस हैं जो आप विज़िट कर सकते हैं, फ़िलहाल हम यहाँ स्टे करने वाले हैं आज। तो गाइज़ ये है हरिपुर धार का मार्केट एरिया, काफ़ी अच्छा डिसेंट मार्केट एरिया है। तो गाइज़ शाम का सनसेट देखो कितना प्यारा आ रहा है यहाँ से, वाह यार क्या व्यू है, और क्या प्यारे प्यारे घर हैं, क्या प्यारा प्यारा मौसम है, पूरा मार्केट एरिया। आप, मैं अपने होटल के छत से भी दिखाऊँगा थोड़ा सा।
तो गाइज आज कोई सीन नहीं था भाई कि ट्रिप पे जाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे, बट इसे कहते हैं एक्चुअल अनप्लान्ड। सुबह सुबह मैं उठा था देहरादून में 6 बजे, सोचा कि चलो मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं, फिर सोचा कि यार चलो यार वही 70 किलोमीटर आगे रेणुका जी का टेम्पल है वहां तक घूम के आते हैं, वापस आ जाएंगे 11 बजे तक। लेकिन वहां आते आते देखो मैं इस हालत में आया था, कुछ सामान नहीं लेके आया, सारा सामान यहीं छोड़ रखा है, तो मुझे शॉपिंग करनी पड़ी। अभी देखो चप्पल में आया हूँ, ये पहन के आया हूँ, अब यहाँ लग रही है ठंड, तो अब हुलिया ऐसा बना के रखा हुआ है तो ऑब्वियसली शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। तो अभी मैंने शॉपिंग करी है, कुछ शर्ट वगैरह खरीदी हैं, एंड कल भी यहीं स्टे करेंगे, तो मैंने मतलब भाई ब्रश भी नहीं लेके आया था भाई, अब ब्रश वगैरह या फेस वॉश वगैरह ये सब मेरे को दोबारा रिपर्चेज करना पड़ा है यहाँ पे, और कुछ फूड वगैरह खरीदने पड़े मुझे क्योंकि यहाँ ठंड का मौसम है। और कल हम करेंगे यहाँ पे ट्रैक वगैरह, कल एक्सप्लोर करेंगे ये एरिया। आज के लिए ऑलरेडी ब्लॉग लंबा हो गया है, तो बाकी का नेक्स्ट ब्लॉग में करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉग रेणुका जी के नाम से हमने स्टार्ट किया था, तो दिस इज सडन अनप्लान्ड कि हम हरिपुर धार में भी आ गए। सो फाइनली रेडी हो चुके हैं आफ्टर शॉपिंग, एंड यहाँ का नाइट व्यू एंजॉय करेंगे। पहले तो मैं आपको छत से दिखा दूं कि यहाँ का नाइट व्यू क्या आने वाला है। सो गाइस चेक आउट द नाइट व्यू ऑफ हरिपुर धार। ये डेस्टिनेशन तो बहुत ही मतलब बेस्ट लगी मुझे, क्योंकि यहाँ के मार्केट में कंप्लीट हर दुकान में मैंने विज़िट किया और हर बंदा मुझे कोऑपरेटिव मिला, ना कि सिर्फ टूरिस्ट के लिए बट आपस में भी ये लोग बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। अगर कोई सामान मतलब मुझे चाहिए तो लोग बहुत ही हेल्पफुल नेचर के हैं, अपने आप ही बताते हैं कि आप यहाँ जाओ आप वहाँ जाओ, और इनकेस अगर जाने में प्रॉब्लम है तो आपको लेके भी जाते हैं। इवन जिस होटल में स्टे कर रहा हूँ, इवन इनके ओनर जो राणा जी हैं, इन्होंने भी मेरे की बहुत हेल्प करी है यहाँ पे, हर दुकान में ये खुद अपनी गाड़ी से घुमा के लेके गए हैं, और यहाँ के अदर दुकानदारों का बिहेवियर भी बहुत अच्छा रहा है। तो बेस्ट डेस्टिनेशन मतलब यहाँ के लोगों के लिए मैं मतलब हैट्स ऑफ है। करते हैं ब्लॉग को एंड। होप सो ये भाई मतलब नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था, मतलब अनप्लान्ड ट्रिप बट द बेस्ट ट्रिप। मैं घूमा तो बहुत जगह हूँ बट दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आई विजिट एवर। मतलब हिमाचल में भी बहुत जगह गए हैं लेकिन बहुत बढ़िया मजा आ गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद राहुल रमल ब्लॉग्स।